गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गजराज एंड ब्लॉग्स। तो गाइज जैसा कि आप मेरे पीछे अल्बर्ट हॉल देख ही रहे हैं, आज अपन अल्बर्ट हॉल के अंदर जो मम्मी है 2300 साल पुरानी उसको एक्सप्लोर करने आए हैं। अगर आपने पिछले वाला ब्लॉग देखा है तो मैंने आपको उसमें अल्बर्ट हॉल के बारे में सारी जानकारी दी थी, अल्बर्ट हॉल कब बना, इसकी पूरी हिस्ट्री किसने बनाया और अल्बर्ट हॉल के अंदर क्या क्या मतलब म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें, वो सारी जो जानकारी मैंने जो ब्लॉग लास्ट वाला ब्लॉग है वो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि अपन नेक्स्ट ब्लॉग में अल्बर्ट हॉल में जो मम्मी रखी उसी पर पूरा ब्लॉग अपन बनाएंगे। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में लगभग 2300 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है जो आज भी सुरक्षित है, लेकिन ये मम्मी है किस महिला की और ये जयपुर कैसे आई, आइए जानते हैं। तो गाइस ये जो मम्मी आप देख रहे हैं दरअसल ये मम्मी मिस्र की ही एक महिला की है। अल्बर्ट हॉल से मिली एक जानकारी के अनुसार ये जो मम्मी है ये मिस्र के पुराने शहर पेनोपोलिस में खुदाई के दौरान मिली थी और ये मम्मी जिस महिला की है उसका नाम तूतू है। बताया जाता है कि मिस्र में उस समय खेम नाम के देवता की पूजा की जाती थी। ये जो महिला है उसी देवता के उपासक पुरोहित के परिवार की सदस्य थी और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मिस्र से लाई हुई तूतू मम्मी है। इस मम्मी को जयपुर लाने का समय कुछ लोग बताते हैं सन 1883 और कुछ का मानना है कि 1883 में जयपुर लाई गई थी। अगर अपन 1883 को भी सही माने तो लगभग ये इंडिया की सबसे पहली मम्मी है जो इंडिया में लाई गई थी। और भाई जब इस लड़की की मौत हुई थी तो इसकी उम्र लगभग 20 साल थी। इस मम्मी की लंबाई लगभग 162 सेंटीमीटर है। तो गाइज ये थी इस मम्मी के बारे में जानकारी और अधिक अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, वहाँ पे भी आपको कुछ डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें अल्बर्ट हॉल में है देखने लायक। पहले वाला जो पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो भी एक बार आप देख लेना, उसमें मैंने लगभग सारा डिटेल में आपको बता दिया है अल्बर्ट हॉल की हिस्ट्री, अल्बर्ट हॉल कब बना था, मतलब क्यों बनाया गया था, इसको पहले क्या था, इसको म्यूजियम कब घोषित किया, वो जितनी भी डिटेल है वो सारी मैंने उस वाले पार्ट में आपको बता दी थी। तो गाइस ये था मम्मी के बारे में और मम्मी के अलावा भी अपन बात करें अल्बर्ट हॉल की तो अल्बर्ट हॉल में और भी बहुत सारे मतलब आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में आपको दिखाई दिया था, उसके अलावा भी आपको बता दूं कि अल्बर्ट हॉल में आपको जैसे आर्ट गैलरी है उसमें आप आर्ट पुराने ज़माने की जो आर्ट है वो सब देख सकते हो। उसके अलावा आपको वहाँ पर कारपेट गैलरी है, उसके अलावा कॉइन का संग्रहालय भी वहाँ पर किया, आपको कॉइन गैलरी भी मिल जाएगी, ज्वेलरी गैलरी है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गैलरी है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। अपन तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।